नमस्ते इंडिया, शारदा चंद्र की पाकशाला में आपका स्वागत है। वैसे तो रोटी हम लोग सभी तरह से की खाते हैं, अलग अलग तरीके के भी खाते हैं, और जब मन भर जाए रोज़ रोज़ वही रोटी खाने से, तो आप आज खाइए खुबा रोटी। और ये राजस्थान की मशहूर रोटी है, तो इसे हम बनाते हैं खुबा रोटी को। तो ये मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच अजवाइन। आप इसमें जीरा भी डाल सकते हैं, वैसे ही बस ये नमक और जीरा या अजवाइन से ही बनती है। थोड़ी मेथी भी डालना पसंद करूँगी, तो आप भी डाल सकते हैं। बच जाएगा घी। अब इसका हम डो बना लेंगे। जितना हम रोटी का डो बनाते हैं उससे थोड़ा टाइट ही बनाएंगे। इसका डो हमारा रेडी है, 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस डो को रोटी में, इसकी रोटी बेल लेंगे। इतनी ही मोटी रोटी बनती है ये। इसे हम बेल लेते हैं। इसे हम सूखे आटे में डस्ट करेंगे। ये देखिए, इतनी मोटी रोटी हमें बेल लेनी है। ये हमने तवा गरम कर लिया है, आप पैन में भी बना सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पकाएंगे, हल्की चिट्टी आनी चाहिए बस पीछे, तो हम इसे फिर पलट लेंगे। हम ज़्यादा नहीं सेकेंगे, बिल्कुल हल्की सी सेकनी है और इसको पलट लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल हल्की सी सेकी है। अब हम गैस बिल्कुल सिम कर देंगे और यह रोटी सिम पे ही पकाएंगे। और इसमें हम इस तरह से इसको इसके ये देखिए, इस तरह से हमने चारों तरफ से इसको इस तरह से बना लिया है। अब इसको आराम से सिकने देंगे पीछे से, जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाती तब तक इसे इसी तरह से सेकेंगे। ये देखिए, ये सारे होल जितने भी हैं और यहाँ से बिल्कुल सूखी सूखी हो गई है, बिल्कुल सिकने लगी है। रोटी को अब पलट कर देख लेते हैं। ये देखिए, एकदम अच्छी चिट्टी वाली रोटी बनी है, एकदम कुरकुरी और बहुत ही सॉफ्ट भी बनती है। अब इसको दूसरी तरफ से पलट कर सेक लेंगे। इस रोटी को सिकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 5 से 10 मिनट तक लगता है इसमें। अब हम इसे भी पलट कर देख लेते हैं। ये देखिए, एकदम से सिक गई है। अब इस तवे को हटा देते हैं और अब बाकी की जो है हम गैस पर ही सेकेंगे। रोटी पर हम घी लगाएंगे, तो इसमें घी बहुत अच्छे से जाता है। घी मेल्ट करके डालें। तो हमारी ये खुब्बा रोटी बन चुकी है। इस तरह से काटिए पिज्जा की तरह। ये देखिए, हमारी खुब्बा रोटी बहुत ही अच्छी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।